हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज गुर्जर, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल मेडकॉम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें। हमारा आज का टॉपिक है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की यदि बात करें कि थर्ड वेंट्रिकल होता क्या है, ये होता है एक मीडियन क्लेफ्ट बिटवीन टू थैलेमाई। जो दो थैलेमाई के बीच में क्या होता है, एक क्लेफ्ट होता है, एक मीडियन क्लेफ्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। थर्ड वेंट्रिकल की यदि बात करें इसका डेवलपमेंटली इट रिप्रेजेंट द कैविटी ऑफ डाइएन्सेफलॉन। डेवलपमेंटली यदि देखा जाए तो यह रिप्रेजेंट करता है कैविटी ऑफ डाइएन्सेफलॉन, डाइएन्सेफलॉन की कैविटी को। बट एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, एरिया इन फ्रंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन का के सामने का जो एरिया होता है वह क्या, डाइएन्सेफलॉन से रिप्रेजेंट नहीं होता है। किससे डेवलपमेंट होगा उसका, वो डेवलप होता है, डेराइव होता है फ्रॉम मीडियन पार्ट ऑफ टेलेंसेफलॉन। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने कहा कि डेवलपमेंटली जो थर्ड वेंट्रिकल होता है ये रिप्रेजेंट करता है कैविटी ऑफ डाइएन्सेफलॉन को, बट एक एरिया होता है इन फ्रंट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो किससे डेराइव होता है, वो डेराइव होता है मीडियन पार्ट ऑफ टेलेंसेफलॉन से। ठीक है, अब इसकी कैविटी की बात करें, कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो होती है एपेंडाइमा से। कैविटी किससे लाइन होती है, एपेंडाइमा से। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंड, इसका कहां से कहां तक एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड कहां से कहां तक करेगा, तो वो स्टार्ट फ्रॉम फोरामेन ऑफ मुंड्रो टू बिगनिंग ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। ये स्टार्ट तो करता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो से और इसका एंड कहां होता है, बिगनिंग ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस की जो बिगनिंग होती है ना, वहां पे एंड करता है। इसका एक्सटेंशन की यदि बात करें तो स्टार्ट होता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो से और एंड करता है बिगनिंग ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कम्युनिकेशन की यदि बात की जाए तो एंटेरो सुपीरियरली देखते हैं। सबसे पहले एंटेरो सुपीरियरली यह कम्युनिकेट करता है लेटरल वेंट्रिकल से और पोस्टेरो इन्फीरियरली यह कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल से। क्या कहा हमने, एंटेरो सुपीरियर पोस्टेरो इन्फीरियर। एंटेरो सुपीरियर यह कम्युनिकेट किससे कर रहा है, ये कर रहा है लेटरल वेंट्रिकल से और पोस्टेरो इन्फीरियरली किससे कम्युनिकेट कर रहा है, ये कम्युनिकेट कर रहा है फोर्थ वेंट्रिकल से। किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है ये देखते हैं। देखो एंटेरो सुपीरियरली ये कम्युनिकेट करता है लेटरल वेंट्रिकल से थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, या इसी फोरामेन का दूसरा नाम होता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो। फोरामेन ऑफ मुंड्रो को ही क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। यहीं से तो शुरुआत होती थी थर्ड वेंट्रिकल की। कहां तक जाता था, ये जाता था एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस की बिगनिंग तक। ठीक है, ये हो गया। अब देखें ये किससे बाउंड होता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो, ये बाउंड होता है एंटीरियर साइड में तो कॉलम ऑफ फोर्निक्स से और पोस्टीरियर ये बाउंड होता है ट्यूबरकल ऑफ थैलेमस से। ठीक, एंटीरियरली तो बाउंड है किससे, फोर्निक्स के कॉलम से और पोस्टीरियरली बाइंड है किससे, ट्यूबरकल ऑफ थैलेमस से बाउंड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टेरो इन्फीरियरली। पोस्टेरो इन्फीरियरली कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रिसेस होते हैं। रिसेस क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटेंशन ऑफ कैविटी। कैविटी का क्या होते हैं, एक्सटेंशन होते हैं। चार रिसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, सुप्रापीनियल रिसेस, पीनियल रिसेस, इनफंडिबुलर रिसेस, ऑप्टिक रिसेस। मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं, सुप्रापीनियल, पीनियल, इनफंडिबुलर और ऑप्टिक रिसेस। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम देखें इसकी बाउंड्री एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे। हाँ, तो अब हम देखते हैं थर्ड वेंट्रिकल की बाउंड्री का डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ठीक है, डायग्राम की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले देखो यहां पे होता है फोरामेन ऑफ मुंड्रो और यहां होता है क्या, बिगनिंग ऑफ ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस होती है। ये क्या है, फोरामेन ऑफ मुंड्रो। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती थी, फोरामेन ऑफ मुंड्रो। ठीक है, और इसको इससे मिला दो। ठीक है, और ये क्या है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल कहां से कहां तक एक्सटेंड करता था, फोरामेन ऑफ मुंड्रो से एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस की बिगनिंग तक।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एंटीरियर वाल की। एंटीरियर वाल में एक होता है एंटीरियर कमिश्योर, देखो ये तो हो गया एंटीरियर कमिश्योर, ठीक है, और एक यहां पे मिलता है, देखो ये जो है ना, ये होता है लेमाइना टर्मिनेलिस। ये क्या है, देखो ये है लेमाइना टर्मिनेलिस। ये होता है क्रेनियल एंड होता है न्यूरल ट्यूब का, क्रेनियल एंड ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब का क्या होता है, ये क्रेनियल एंड होता है। इसके बाद हम बात करें ये एंटीरियर वाल में, देखो ये क्या है एंटीरियर कमिश्योर, ये क्या है एंटीरियर कमिश्योर, ठीक है। एक इसमें क्या यहां पे होती है, देखो ये क्या है, ये है पीनियल बॉडी, ये क्या है, ये है पीनियल बॉडी, ठीक है। और यहां पे होता है पोस्टीरियर कमिश्योर, देखो ये पोस्टीरियर कमिश्योर है, ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर कमिश्योर और ये हो गए पीनियल बॉडी, ठीक है। ये पीनियल बॉडी है, ये पोस्टीरियर कमिश्योर है, और यहां ऊपर की साइड क्या होती है, इसकी रूफ होती है, रूफ देखो रेख रूप है, ये बनती है फोर्निक्स से, ये हो गई इसकी रूफ, ठीक है। रूफ किससे बनती है, ये बनती है फोर्निक्स से, ठीक है, ये बनती है रूफ किससे बनेगी, रूफ बनती है फोर्निक्स से। पोस्टीरियर वाल की यदि बात करें, पोस्टीरियर वाल किससे बनती है, ये बनती है पीनियल बॉडी से, पोस्टीरियर कमिश्योर से, और सेरेब्रल एक्यूडक्ट जो होती है ना, ये एक्यूडक्ट ऑफ सिल्विस, इसकी बिगनिंग आती है इसमें। ये तो होगी पोस्टीरियर वाल, ये होगी एंटीरियर वाल, ठीक है, ये होगी इसकी रूफ, ठीक है। एक लेटरल वाल होती है, ये थैलेमस, ये क्या है थैलेमस, और ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये दोनों क्या बनाते हैं, लेटरल वाल बनाते हैं। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमिक सल्कस, ये तीनों मिलके बनाते हैं लेटरल वाल। अब एक रह गया इसका फ्लोर किससे बनता है, थर्ड वेंट्रिकल का। फ्लोर की यदि बात करें तो देखो, फ्लोर की बात करेंगे, फ्लोर बनता है, एक तो होती है उसमें मैमिलरी बॉडी, ये हो गई मैमिलरी बॉडी, ठीक है। एक होता है ट्यूबर सिनेरियम, ये हो गया ट्यूबर सिनेरियम, ये क्या है ट्यूबर सिनेरियम, ठीक है। एक उसमें होता है इनफंडिबुलर स्टार्क, जो कनेक्ट करता है किससे, न्यूरोहाइपोफाइसिस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इनफंडिबुलर स्टार्क है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। और देखो एक चीज याद रखना है, यहां पे मिलेगा, देखो ये होता है ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है, ऑप्टिक कियाज्मा, और ये मैमिलरी बॉडी, देखो ये मैमिलरी बॉडी हो जाएगी, ये क्या है मैमिलरी बॉडी, ठीक है। और ये क्या है ट्यूबर सिनेरियम, ठीक है। और ये वाला तो देखो ये है ना, ये होता है टैगमेंटम ऑफ मिडब्रेन, देखो ये वाला पार्ट, ये है टैगमेंटम ऑफ मिडब्रेन, ये क्या है टैगमेंटम ऑफ मिडब्रेन। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं। फ्लोर किस किस से मिलके बन रहा है, देखो ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है, मैमिलरी बॉडी, ट्यूबर सिनेरियम, मैमिलरी बॉडी, टैगमेंटम ऑफ मिडब्रेन, और क्या है एक होता है इनफंडिबुलर स्टार्क। इनफंडिबुलर स्टार्क किससे कनेक्ट होता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। तो ये भी क्या है, फ्लोर बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है इसका, ठीक है। ये पांचों स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं, ठीक है। एक इसमें होता है, एक और चीज होती है पोस्टीरियर परफोरेटर सब्सटेंस,
ठीक है। इनफंडिबुलर स्टाक जो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कनेक्ट है, वो क्या है, डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है डाइसिप्लिन का। हमने क्या कहा, इनफंडिबुलर जो स्टाक है जो किससे कनेक्ट है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, ये इनफंडिबुलर स्टाक हो गया, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट है, ये डाउनवर्ड एक्सटेंशन होता है डाइसिप्लिन को, T4 डाउनवर्ड, और किसका एक्सटेंशन है, डाइसिप्लिन का। तो ऐसे याद रख सकते हैं, किसको, इनफंडिबुलर स्टाक को जो कनेक्ट है न्यूरो हाइपोफाइसिस से। तो इसका फ्लोर हो गया, रूफ हो गई, एंटीरियर वाल, पोस्टीरियर वाल, और ये क्या होगी, लेटरल वाल होगी। ये हो गए थर्ड वेंट्रिकल की ऑल ऑफ बाउंड्री। मैं इसको क्या दोबारा समराइज कराता हूं। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो क्या होता था, मीडियन क्लेफ्ट होता था बिटवीन टू थैलेमाई, दो थैलेमाई के बीच में क्या होता था, मीडियन क्लेफ्ट होता था। फिर हमने उसका डेवलपमेंट देखा, डेवलपमेंट में हमने देखा कि वो रिप्रेजेंट करता है कैविटी ऑफ डाइसिप्लिन को, बट एक एक्सेप्शन था, क्या एक्सेप्शन था, वो एक्सेप्शन था कि एरिया जो इन फ्रंट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के सामने का जो एरिया था वो किससे डेवलप होता था, वो डेराइव होता था टीलेंसिप्लिन से। फिर हमने बताया थी इसकी कैविटी जो लाइन होती है किससे, एपेंडाइमा से। फिर हमने इसका कम्युनिकेशन देखा था, कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था एंटीरियर सुपीरियरली ये कम्युनिकेट करता है किससे, लेटरल वेंट्रिकल से, किसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू, ठीक है। और एक पढ़ा था पोस्टीरियर इंफीरियरली ये कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू, फोर्थ वेंट्रिकल से, किसके थ्रू करेगा, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। ये हो गया इसका दो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बाद हमने इसके रिसेस पढ़े थे चार, जो क्या है, एक्सटेंशन होते हैं किसका, कैविटी का। कौन कौन से रिसेस पढ़े थे, सुप्रापीनियल रिसेस था, पीनियल रिसेस था, इनफंडिबुलर रिसेस था, और ऑप्टिक रिसेस था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसकी बाउंड्री पढ़ी। बाउंड्री में सबसे पहले हमने बात की एंटीरियर वाल की। एंटीरियर वाल बनती है एंटीरियर कमिश्योर से, देखो एंटीरियर कमिश्योर, लेमिना टर्मिनेलिस से, और इसमें सम पार्ट आता है किसका, फोर्निक्स का। ये तीनों मिलकर बना देते हैं एंटीरियर वाल। पोस्टीरियर वाल किससे बनती है, पीनियल बॉडी से, पोस्टीरियर कमिश्योर से, और बिगनिंग ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस। ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे पोस्टीरियर वाल, ये बना देंगे पोस्टीरियर वाल, ठीक है। फोर्निक्स, फोर्निक्स क्या बना देगा, इसकी रूफ बना देगा, ये क्या बनाएगा, रूफ बना देगा। और फ्लोर किस किस से बनता है, फ्लोर बनता है ऑप्टिक कियाजमा से, टीवर सिनेरियम से, मैमिलरी बॉडी से, टैगमेंटम ऑफ मिडब्रेन से, और न्यूरो हाइपोफाइसिस जो कनेक्ट होता है किससे, इनफंडिबुलर स्टाक से। ये सब मिलके क्या बना देते हैं, इसका फ्लोर बनाते हैं। एक हमने बात की लेटरल वाल, लेटरल वाल किससे बनती थी, थैलेमस से, हाइपोथैलेमस से, ये क्या बनाते हैं, लेटरल वाल, लेटरल वाल, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा, लेटरल वाल, ये भी क्या बनाएगा, लेटरल वाल, ठीक है। ये लेटरल वाल बन गई, और ये एक्सटेंड कहां से कहां तक करता था, फोरामेन और मुंड्रो से एक्सटेंड करता है कहां तक, एक्विडक्ट ऑफ सिल्विस तक। ये ऑल अबाउट थर्ड वेंट्रिकल के बारे में हो गया। एक क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल इज सीन इन फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल एक्सेप्ट, चार ऑप्शन है आपके पास कि सारे होते हैं बट एक नहीं होता। ऑप्शन क्या क्या है, मैमिलरी बॉडी, ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, और ऑप्टिक कियाजमा, और टीवर सिनेरियम। इनमें से क्या है जो क्या है, फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में नहीं मिलता। तो देखो मैमिलरी बॉडी मिलती है, ऑप्टिक कियाजमा मिलता है, ट्यूबर सिनेरियम मिलता है, बट क्या नहीं मिलती, ऑक्यूलोमोटर नर्व नहीं मिलती। तो इसका आंसर जाएगा ऑक्यूलोमोटर नर्व। एक इसके क्लिनिकल की यदि थोड़ी सी बात करें, क्लिनिकल की बात करें, थर्ड वेंट्रिकल के क्लिनिकल में क्या पढ़ेंगे, एक नैरो स्पेस होता है जो क्या है, क्या लोकल ब्रेन ट्यूमर से क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा इसका। क्या नैरो स्पेस है तो थोड़े से ट्यूमर से क्या हो जाएगा, इसका ऑब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर एडल्ट में, तो इससे क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन प्रोड्यूस होती है इन्फेंट में, ठीक है। और जो ऑब्स्ट्रक्शन की जो साइट है ना, उसे हम फाउंड आउट कर सकते हैं किसके द्वारा, सीटी स्कैन के द्वारा या एमआरआई के द्वारा। एक चीज याद रखनी है कि ट्यूमर जो होता है ना लोअर पार्ट ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में, वो क्या है, हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स भी देता है। थर्ड वेंट्रिकल के लोअर पार्ट में देखो ट्यूमर हो गया तो देता है हाइपोथैलेमिक सिम्टम्स, जैसे कि क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसीरिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगा, सेक्सुअल डिस्टरबेंस हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ये इसके क्लिनिकल की बात होगी। इस तरह से थर्ड वेंट्रिकल का जो टॉपिक होता है कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।